हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। आज का मेरा जो वीडियो टॉपिक है वो है इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड। तो मैंने पहले भी इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाई है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स के बारे में, इंग्लिश वोकैबुलरी के बारे में कि कैसे इसको उत्पत्ति हुआ, क्या है इसमें, कितने भाषाओं से लेकर इंग्लिश वर्ड्स को हम यूज करते हैं, इसमें कितनी भाषा कवर्ड जुड़ा हुआ है, इससे रिलेटेड है मेरा आज का वीडियो। हम इसमें इसी का डिस्कशन करेंगे। और एक मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि आपको नए टॉपिक का वीडियो मिल सके। तो इंग्लिश भाषा है जो एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया है कि एक ग्लोबल लैंग्वेज है। और आप लोग भी जानते हैं कि इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज है, और इसका जो डेवलपमेंट है वो एक दिन में हुआ नहीं, दिन मतलब बहुत समय लगा, अलग अलग भाषाओं से जोड़कर इसको बनाया गया है। और हम अगर इसकी वोकैबुलरी की बात करते हैं, शब्दावली की बात करते हैं, तो इसमें अलग अलग ओरिजिन से भाषा का ऐड हुआ, जो इंग्लिश एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा बन चुकी है। इसमें अलग अलग भाषाओं का जुड़ा हुआ वर्ड्स है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस भाषा का कितना कंट्रीब्यूशन रहा, कितना प्रभाव रहा इंग्लिश पे, और उसके वर्ड्स आज प्रेजेंट टाइम में कितने परसेंटेज वर्ड्स जो हैं वो किस भाषा से लिए गए हैं। तो इनिशियल में हम अगर इंग्लिश वर्ड्स की बात करें तो वो 13,500 के अप्रॉक्स थे, और आज की हम बात करें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मोर देन 273,000 हेड वर्ड्स हैं, मेन वर्ड्स जो होते हैं। उनमें से 171,000 जो है वो करेंट यूज में है, और मोर देन 47,000 वर्ड्स जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, और जिसमें आपको 9,500 जो है डेरिवेटिव वर्ड्स है। तो ये स्टैटिस्टिक है इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इंग्लिश वर्ड्स के बारे में। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि आज के समय में मिनिमम 100 to 150 वर्ड्स प्रति ईयर डिक्शनरी में ऐड किए जाते हैं, वो चाहे किसी भी कंट्री से रिलेटेड हो, किसी भी भाषा से रिलेटेड हो, वो डिक्शनरी में ऐड होते जाते हैं। डे बाई डे जो है इंग्लिश का जो शब्दावली है, जो शब्दकोश है, जो डिक्शनरी के वर्ड्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा जो मेन जो टॉपिक है इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी भाषा इंक्लूड किया गया और कब इंक्लूड किया, मैंने इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि इंग्लिश भाषा का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस काल में कौन सा भाषा डोमिनेट किया, किसने अपना प्रभाव छोड़ा और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाया। तो जो इंग्लिश है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा होगा आपने कि कोई भी वर्ड्स हम यूज करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि ये वर्ड्स लैटिन से बना हुआ है, ये फ्रेंच वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। तो जो इंग्लिश है उसमें मेन जो कंट्रीब्यूशन जिन भाषाओं का रहा है वो है लैटिन, जर्मनी, फ्रेंच, ग्रीक और अदर्स भाषाएं जो हैं, जो उसमें उनसे वर्ड्स को लेकर इसको ऐड किया गया। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि लैटिन का कितना कंट्रीब्यूशन है, जर्मनिक वर्ड्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, फ्रेंच वर्ड्स का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो जो लैटिन है इसका जो है कंट्रीब्यूशन 29% है। अगर डिक्शनरी के हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के वर्ड्स की बात करें तो उसमें 29% जो वर्ड्स है वो लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर ह्यूमन, एनिमल, डेंटल, डेसिमल, डिजिटल, फैक्ट्री, लाइब्रेरी, मैनुअल, लूनर, सोलर, मिलिट्री, साइंस, स्टेशन, ये इत्यादि जो वर्ड्स है ये लैटिन वर्ड्स है। सेकेंड हम बात करेंगे जर्मेनिक वर्ड्स का। जर्मेनिक वर्ड का जो इंग्लिश डिक्शनरी में कंट्रीब्यूशन है वो 26% है, जो कि एग्जांपल के तौर पर आप जैसे वर्ड यूज करते हैं अबव, अगेन, एंड, एप्पल, बैड, गुड, केक, पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक आई, फीट, बॉय, गर्ल, हाउस, हैंड, ब्रेड, ये वर्ड्स क्या है, ये जर्मेनिक वर्ड्स हैं। इनका जो ओरिजिन है वो जर्मेनिक है, जर्मन भाषा से लिया गया है। दूसरा है फ्रेंच। फ्रेंच जो फ्रेंच का जो कंट्रीब्यूशन है वो 29% है, और इसमें जो वर्ड यूज किए गए हैं फ्रेंच लाइक कंटिन्यू, जस्ट, जर्नी, पीपल, वेरी, जस्टिस, पोर, वीफ जो है ये फ्रेंच वर्ड के एग्जांपल्स हैं, और फ्रेंच का कंट्रीब्यूशन 29% है। अब हम बात करते हैं ग्रीक वर्ड का। तो ग्रीक वर्ड जो है इसका कंट्रीब्यूशन 6% है, जैसे सिनेमा, इमेज, डेमोक्रेसी, बेसिक, हिस्ट्री, आइडिया, टेक्नोलॉजी, एंड्रॉयड, जो एंड्रॉयड फोन आज तक चल रहा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड वर्ड क्या है उसका, वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, उसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन ग्रीक का है वो 6% है।
अब हम बात करेंगे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं इंग्लिश डिक्शनरी में जो नेम के अकॉर्डिंग रखा गया है, जैसे हु और गूगल, ये नाम पे रखा गया है, तो इसको हम नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं कि किसी के नाम पे कोई वर्ड का आविष्कार हुआ, उसके नाम से उस वर्ड को हम रख दिए। अदर्स हम अदर्स कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मैंने पहले ही बताया था कि इंग्लिश का जो प्रचार हुआ वो अंग्रेज लोगों ने अपना कॉलोनीज बनाया, दूसरे कंट्री को गुलाम बनाया और अपना भाषा का लोगों से वहाँ के लोगों को प्रभावित किया और अलग अलग रीजन से भाषा को भी इंग्लिश भाषा में वर्ड को यूज किया, जैसे टोबैको पोटैटो क्या है अमेरिकन वर्ड्स हैं, बालकोनी गुरु हिंदी वर्ड्स है, तो और भी पजामा हो गया, शैम्पू हो गया, सैंडल हो गया, ये सब क्या है अदर्स कंट्री अदर लोकेशन से वर्ड को यूज किया गया। तो ये हमने बताया कि किस किस भाषा का कितना कंट्रीब्यूशन रहा इंग्लिश के वर्ड्स पे, वोकैबुलरी पे। तो आइए मैं एक बार और समराइज कर देता हूँ कि क्या कंट्रीब्यूशन, किस भाषा का कितना कंट्रीब्यूशन, कितने परसेंटेज वर्ड्स हैं जो किस भाषा से लिए गए हैं। तो मैंने बताया था कि इंग्लिश वर्ड्स जो मेनली लैटिन जर्मनिक फ्रेंच ग्रीक नाम पर भी आधारित हैं और कुछ अदर्स कंट्रीब्यूशन भी रहा है। तो लैटिन का कंट्रीब्यूशन 29% है, जर्मनिक वर्ड्स जो है 26% है, फ्रेंच वर्ड्स हैं 29% है, ग्रीक वर्ड्स हैं 6% है, नेम से रिलेटेड जो वर्ड हैं 4% है और अदर्स जो है वो 6% है। ये टोटल मिलाकर 100% है, जो एज मैंने बताया भी था कि अगर हम लेटेस्ट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करें तो मोर देन 271,000 से ज़्यादा वर्ड्स हैं जो अंग्रेजी में यूज किए जाते हैं और ये ग्लोबल लैंग्वेज है, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन चुका है क्योंकि सारे भाषाओं का इसमें मिश्रण है और हर जगह बोली जाती है, हर जगह प्रचलित है। तो इसलिए ये मैंने आपके बारे में आपके समक्ष ये रखा कि कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन किस भाषा के है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको क्लियर हुआ हो कि हाँ ये इंग्लिश जो वोकैबुलरी है कैसे बना है, कितना किस भाषा का कंट्रीब्यूशन है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक कमेंट दीजिए और अगर मेरे साथ आप नहीं जुड़े हैं तो मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू टॉपिक के वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।